नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। बहुत ज़बरदस्त घबराहट का अटैक आ जाता है, ऐसा लगता है कि अभी मर जाऊँगा, फिर बेचैन हो जाता है, घबराहट होती है, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत कर रहा हूँ। यह पैनिक डिसऑर्डर है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीब करीब 28 साल का लड़का है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, शादी होने की है, और इसको एकदम सडनली अटैक आ जाता है। सडन अटैक, और अटैक कौन सा आता है? घबराहट का। एकदम धड़कन हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, हाथ पैर कांपना चालू हो जाएगा, खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा, उसको लगता है कि अभी मैं गिर जाऊँगा, मुझे बचाओ। स्पेशली ये डेड बॉडी देखता है तो, या अंत्ययात्रा कहीं जा रही है ऐसा उसने देख लिया तो, या एक्सीडेंट की बात सुन लिया तो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, पेपर में भी पढ़ लिया उसने कि एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एकदम अटैक आ जाता है। तो पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, अखबार न्यूज़पेपर, एकदम घबराहट, चिंता। और इसने बोला कि भाई बचपन से उसको चिंता करने की तकलीफ है, बचपन से छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत चिंता, एग्ज़ाम कैसे हो जाएंगी, पेपर कैसा आएगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, फिर मेरे को मास्टर मारेंगे, फिर घर में मारेंगे, पिटाई होंगी फेल हो गया तो, अब कैसा होगा, मतलब ऐसे बचपन से उसको चिंता, बहुत सारे नकारात्मक विचार उसको आते हैं, और बार 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 नकारात्मक विचार आते हैं, और उसको ऐसा फोबिया हुआ ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी बात का एकदम भयानक डर, भयंकर डर उसको लगता है। भविष्य की चिंता लगी रहती है, और भविष्य में फ्यूचर में कैसा होऊंगा, क्या होऊंगा, ऐसी चिंता उसको सताती रहती है। उसने साइकेट्रिस्ट को बताया मगर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसको ये चालू कब हुआ, उसको याद आता है कि छठवीं क्लास में जब था तो घूमने गया था कहीं तभी, और वहाँ एक लड़के को, उसके बराबरी का लड़का था, उसको रास्ते में फिट आ गई, रास्ते में फिट आ गई, वो गिर गया, पीछे से आने वाले व्हीकल ने उसको धड़क दे दिया, वो ऐसा एकदम उड़ गया, दूर फेंके गया ऐसा, और वहाँ खलास हो गया। वो सीन उसने देखा और तब से उसको वो डर बैठा हुआ है। तो ऐसा कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, डेथ की बात सुन ली तो बस उसके तो होश चले जाते हैं, नींद नहीं आती फिर उस दिन, फिर दवाई लेना पड़ता है, और उसके वजह से फिर वो बाहर जाना, अखबार पढ़ना, या एक्सीडेंट की वार्ता सुनना, या कोई अंत्ययात्रा देखना, मतलब ऐसा सब टालते जाता है। फिर इससे होता क्या है कि सब कटौती हो जाती है, लोगों से कट जाते हैं ना, अकेले अकेले रहना, बाहर नहीं जाना, फिर उसका असर काम पे भी हो रहा है, फिर काम पे भी टाइम टू टाइम जाने का नहीं, और टाइम पे गया और ऐसी कुछ बात सुन लिया, समझो भी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है वहाँ कंपनी में, और बातों में किसकी बात सुन ले कि उसके यहाँ डेथ होगी, वो अटैक से गया, फिर उसको घबराहट शुरू हो जाती है, और उसको जीना मुश्किल हो गया, उसको लगता है कि भाई ये जीना जीने से तो मर गया तो अच्छा है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। तो ये पैनिक अटैक की बीमारी है, पैनिक डिसऑर्डर, और इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि ये जो कंडीशनिंग हुआ है ब्रेन का, तो वो डी कंडीशनिंग कर सकते हैं। देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, वो न्यूरोप्लास्टिक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब रीवायरिंग कर सकते हैं। उसका छठवीं क्लास में था तो एक तरह का कंडीशनिंग हो गया, वायरिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया डर का, अब उसका रीवायर करना है, वो जो वायरिंग हुआ है उसको निकाल देने का है, जो कंडीशनिंग हुआ है उसको डी कंडीशनिंग करना है, तो वो संभव है। उसको मैंने हिप्नोथेरेपी के सेशंस दिए। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि हम रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज उसको देते हैं, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कराते कराते उसको विजुअलाइजेशन कराने लगाते हैं कि जो जो सिचुएशन में उसको डर लगता है, अटैक आता है, वो सिचुएशन का वो सामना कर रहा है और बहुत ही रिलैक्स है, सामना कर रहा है, रिलैक्स है, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने लगाते हो कि वैसा हो रहा है कि डेड बॉडी दिख रहा है, अंत्ययात्रा दिख रहा है, वो रिलैक्स है, या एक्सीडेंट हुआ है वो देख रहा है और रिलैक्स है। फिर इसके साथ साथ हमने उसको दवाई दी, एंग्जियोलाइटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, घबराहट की दवाइयाँ, क्लोनेजिपाम, अल्प्राजोलाम, प्रोप्रानोलोल, ऐसी दवाइयाँ, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर एक्सपोजर थेरेपी, डी कंडीशनिंग, सब कॉम्बिनेशन में धीरे 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 उसको फ़ायदा होने लगा, और आज करीब करीब 4 महीने हो गए वो कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो ये पैनिक अटैक ठीक होना संभव है,
ये डॉक्टर के मतलब साइकेट्रिक के पास में गए तो कोई पागल है करके गया, ऐसा नहीं है। ये लोग सफ़र होते जाते हैं, फिर प्रोफेशनल हेल्प लेते नहीं है। फिर लोग बोलते हैं हाँ घर डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों डरता है वगैरह, ऐसा बोल के उसको चलाते रहते हैं और उनका जीवन जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर सफरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका इलाज यदि कर लिए तो नॉर्मल लाइफ आदमी जी सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।